पूरा पॉइंट्स टेबल, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पॉइंट्स टेबल में लगा बड़ा झटका। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे आपको दोस्तों। आज आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच मुकाबला खेला गया। गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 84 रन बनाए। वहीं 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के ओपनर बल्लेबाज आते ही पवेलियन लौट गए और फिर गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मुकाबले पर पकड़ बना ली और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मुकाबले में हरा कर अपनी सीजन की दूसरी जीत हासिल कर ली है। तो चलिए नजर डालते हैं गुजरात की जीत के बाद पूरे पॉइंट्स टेबल पर। वहीं पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी भी नंबर वन पर बनी हुई है, जो दो मुकाबले खेली और दोनों में जीत हासिल करके 4 पॉइंट अर्जित कर चुकी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर केकेआर की टीम है, जो 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती है और 4 पॉइंट हासिल कर चुकी है। वहीं तीसरे नंबर पर आज की जीत के बाद गुजरात टाइटंस की टीम आ गई है, जो 2 मुकाबले खेली और दोनों में जीत हासिल करके 4 पॉइंट अर्जित कर चुकी है। और वहीं चौथे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो 2 मुकाबले खेली और 1 मुकाबला जीती और 2 पॉइंट अर्जित कर चुकी है। वहीं पांचवें नंबर पर लखनऊ की टीम है, लखनऊ की टीम भी 2 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 2 पॉइंट हासिल कर चुकी है। और फिर उसके बाद छठे नंबर पर आरसीबी की टीम है, आरसीबी की टीम भी 2 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 2 पॉइंट हासिल कर चुकी है। और फिर उसके बाद सातवें नंबर पर पंजाब की टीम है, पंजाब की टीम भी 2 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 2 पॉइंट हासिल कर चुकी है। वहीं आठवें नंबर पर चेन्नई की टीम है, चेन्नई की टीम अपने दोनों मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। वहीं आज की हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम भी 9वें नंबर पर आ चुकी है, जो 2 मुकाबले खेली और दोनों में हारी है।